जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग लाइव हैं, ठीक है, और हम फाइवर के लिए ये लाइव सेशन एक कर रहे हैं। जी मैम उज़्मा, आप कंटिन्यू करें क्योंकि जी अस्सलाम इलेवन वालेकुम। ट्वेंटी ऑलरेडी हो गए हैं। जी फिर टाइम कम होता है, आप कंटिन्यू करें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी फाइबर की प्रोफाइल चेकिंग की क्लास है। इससे पहले तो हमने जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमने पढ़ लिया है कि फाइबर क्या होता है और उस पे कैसे काम किया जाता है। तो प्रोसेस तो सारा आप लोगों को समझ आ गया है कि फाइबर पे हम कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे गिग्स बनाते हैं, कैसे जो है वो कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो प्रोफाइल चेक करने के लिए है कि आप लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप आगे नहीं चल पा रहे हैं तो जितना भी काम किया है अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मैं आपको उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेकर चल सकूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कौन दिखाएगा प्रोफाइल? जी, जिसकी भी प्रोफाइल रेडी है वो हैंड रेस करे ताकि फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर हादी, सकें। आपने भी बनाया हुआ था ना अकाउंट उस पे फाइवर पे? अगर आप अभी लैपटॉप पे ज्वाइन है तो आप शुरू कर लें, स्क्रीन शेयर कर लें। हाथी आप कर जी दें और मुझे बता दें कि हाँ जी आप इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। मिस नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, मिस नहीं आ रही है आपकी स्क्रीन में। अच्छा हाथ जी मिस, ये मेरी प्रोफाइल जी, प्रोफाइल पे क्लिक करें, स्विच टू सेलिंग कर लें पहले। ठीक है, अब जैसे आपने अपनी प्रोफाइल ओपन की है ना तो सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल पिक्चर आती है। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर का मैंने बताया था कि आपके प्रॉपर इसके ऊपर अपनी पिक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है आई थिंक। आपने अपनी पिक्चर लगानी है और पिक्चर कैसी होनी चाहिए ये भी हमने सारा डिस्कस किया था कि आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपके फेस पे जो है ना वो लाइट, हल्की सी लाइट होनी चाहिए ताकि आपका फेस क्लियर नजर आए। और बैकग्राउंड जो है वो, जैसे मेरा बैकग्राउंड देखें व्हाइट आ रहा है तो इस तरह से व्हाइट बैकग्राउंड रखें। लेकिन अभी मेरा भी जो फेस है थोड़ा सा डार्क आ रहा है। आपने रिंग लाइट सामने रखनी है और फिर अपनी एक पिक्चर ले लेनी है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, वैसे तो हम लोगो भी लगा सकते हैं लेकिन अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप पे ट्रस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर और वीडियो, ये दोनों चीजों से आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है एज कंपेयर टू उनके जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं होती प्रॉपर या जिनकी वीडियोस नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला आप सारों ने ये काम जरूर कर लेना कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बाकी अपनी प्रोफाइल दिखाइए। जी मैम, सबसे पहले मैं मेरा आपसे एक सवाल था कि हम अगर जी, मेरी मुझे तरफ से क्वेश्चन पहले समझ नहीं आ रहा। मैं हम अगर अपनी प्रोफाइल पे अगर अपनी पिक्चर लगाएं तो फिर लोग समझते हैं कि बच्चा है, फिर उसको थोड़ा काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप अभी बिगनर हैं और आप कोई बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। तो हर कोई जो है वो कम पैसों के ऊपर काम करवाना चाहता है। ठीक है, तो वो अगर आपका काम देखेंगे, आपकी पिक्चर से ज्यादा वो आपका सैंपल ऑफ वर्क देखेंगे, जो पोर्टफोलियो हमने डिस्कस किया था ना
अगर आपका काम अच्छा है और आप कम पैसों में भी करके दे रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू उनके के जो जो बड़े हैं, तो जो क्योंकि वो तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो वो चार्जेस भी ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो आप कोई मसला नहीं है, आप अपनी पिक्चर लगा लें और आप अपने पोर्टफोलियो में अपना काम अच्छा सा दिखाएं। ठीक है, तो अब अगर आप मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाइए और मुझे सारी दिखा दें कि बाकी आपने क्या क्या उसमें एंटर किया है। आपके नाम के नीचे जो है ना, वो आपने जो टैग लाइन होती है वो नहीं लिखी हुई है, वो मुझे दिखाएं। आपने एंटर की हुई है या मुझे नजर नहीं आ रही है? मैंने लिखी हुई है। अच्छा, आप की ना स्क्रीन यहाँ पे स्टक हुई हुई है। आप प्रोफाइल पे क्लिक करें, अपनी राइट साइड पे आपकी पिक्चर होगी, उसके नीचे जो प्रोफाइल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें। आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई नजर आ रही है। हाँ, आप दोबारा से शेयर करें। जिमी साहब आप देखिए। हेलो, आई एम हादी, अ पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, इसमें देखिएगा कि हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, जरा एडिट में जाके जी और ग्राफिक का जी और डिजाइनर का डी कैपिटल कर दें। और डिजाइनर में डी कैपिटल कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये जो है ना ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड चैट जीपीटी से टैग लाइन की सजेशंस ले सकते हैं, अट्रैक्टिव टैग लाइन सजेशंस। अगर आप चैट जीपीटी आपके पास ओपन हुआ हुआ है तो साथ में ओपन कर लें और उससे सजेशन लें कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड सजेस्ट मी सम अट्रैक्टिव आई कैचिंग टैग लाइन्स फॉर फाइवर। आप ये प्रॉम्प्ट लिखें तो आपको काफी अच्छी अच्छी सजेशंस मिल जाएंगी। ओके बाकी सब भी ना, जो जो मैं बताती जा रही हूँ, आप अपनी अपनी प्रोफाइल को उस तरह से सेट करते जाएं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लें और टैग लाइन जो है वो चैट जीपीटी से आइडियाज ले लें। जैसे हादी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टैग लाइन लेंगे। अगर आप लिंक्डइन से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि कैटेगरी बहुत ज्यादा आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या वीडियो एडिटर हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हैं, वेबसाइट डिजाइनर हैं, क्या आपके एग्जैक्ट जो है ना वो पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी आपकी, तो उसी से रिलेटेड आपकी टैगलाइन भी होनी चाहिए। ये मैंने जूम की चैट पे ना सर आने चैट जीपीटी अपना बताया था फाइवर के लिए, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो आप चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। रेहान फाइवर चैट जीपीटी, ये भी मैंने जूम में लिंक शेयर किया उसका। ठीक है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और ये इन्होंने इंट्रो वीडियो मुझे लगता है नहीं लगाई। जी, उस पे हम वीडियो पे आते हैं, इनकी टैग लाइन सेट हो जाए। हाँ, देखिए कितनी अच्छी पिक्चर आपने सिलेक्ट की है। और इससे अब आप देखें, पहले अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो इतना ज्यादा उसको अट्रैक्शन फील नहीं होगी, लेकिन आपकी ये पिक्चर देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी कि कोई स्टूडेंट है और इतना अच्छा काम दे रहे हैं। ठीक है, आपकी फिर स्क्रीन
ऑफ हो गई है। ये लगता है इनके नेट का इशू है जी। ठीक है, तो जैसे हादी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है ना, सबने इस तरह से अपनी बेस्ट पिक्चर्स जो है ना वो लगानी है। चाहे तो किसी ये देखो, फोटोग्राफर से आप कहें बनवा लें, अगर कहीं बाहर जाए ना तो फोटोग्राफर से कहें कि बना दे, नहीं तो आप जिसके पास भी अच्छा थोड़ा सा क्वालिटी मोबाइल है ना जिससे अच्छी पिक्चर आती है, पिक्सल्स अच्छी हो, तो वो एक दूसरे की आप पिक्चर्स ले लीजिएगा और उस पर अपलोड करते हैं। ठीक है। अच्छा, हेलो, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, सो गिव टैग लाइन फॉर फाइवर। अच्छा, डिजाइन दैट स्पीक्स डिलीवर टू यू। ठीक है, आप देखें ये कितना अच्छा लग रहा है, डिजाइन दैट स्पीक्स डिलीवर टू यू। यहाँ पे नीचे लिखें सजेस्ट सम मोर टैग लाइन्स, या सिर्फ खाली लिखते हैं सजेस्ट सम मोर या सजेस्ट मोर। सजेस्ट के बाद क्या लिखना है? अच्छा, टैग लाइन्स। बस, अच्छा मोर लिख के एंटर करें। एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, अब इसमें आपके पास और आगे हैं आइडियाज, इसमें आप देख लें ब्रिंगिंग योर विजन टू लाइफ वन डिजाइन एट अ टाइम। हाँ, डिजाइन दैट इंस्पायर ब्रांड्स दैट शाइन, ये भी आप लिख सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही है ना वो आप पिक कर लें। ये 6 वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, डिजाइन दैट इंस्पायर, ये वाली करने आओ। हाँ, और इस पे साइड पे ना इन्वर्टेड कॉमास हटा दीजिएगा जब वहां पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे, मैं वीडियो एडिटर हूँ और मुझे फाइवर के लिए टैग लाइन्स जनरेट करके दे दें जो कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज्यादा और आई कैचिंग होनी चाहिए। इस तरह से जब आप ये वाले वर्ड्स लिखेंगे ना तो वो आपको बड़े मजे मजे के जो है वो टैग लाइन्स दे देगा, उसमें से कोई भी एक जो आपको अच्छी लग रही है वो पिक करें और पेस्ट करते हैं वहां पे। अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग अभी तक नहीं हो रही है अभी। ये इनकी तरफ ना नेट स्लो है आज, ज्यादा इशू है, इसलिए बार बार इनकी स्क्रीन स्टॉप हो रही है शेयर में। अच्छा, अपनी आप सबने अपनी अपनी प्रोफाइल पे एक तो पिक्चर्स का जो मैंने कहा, सेकंड वीडियो आपने जो है वो छोटी सी वीडियो बना के भी अपलोड करनी है, तो वो किस किसने कर ली है? अपने हैंड रेस करें जिस जिसने कर ली है। जिसमें हर वर्ड से पहले कैपिटल वर्ड आएगा ना। जी, दैट का टी जो है वो स्मॉल कर दें, दैट जो है ना वो नाउन नहीं है, जो नाउन्स होते हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं सिर्फ उनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल करते हैं। डिजाइन दैट इंस्पायर ब्रांड दैट शाइन, ब्रांड्स एस हटा दें, ब्रांड दैट शाइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आगे मुझे दिखाते हैं, स्क्रॉल डाउन करें। ठीक हो गया, आपकी ये टैग लाइन और आपकी प्रोफाइल पिक्चर अब सेट हो गई है। अब हाँ, आपने हादी सबकी हेल्प करनी है कि जैसे आपने अपनी पिक्चर बनाई है ना प्रोफाइल, इसी तरह से बाकी सारे भी इसी तरह से अपनी पिक्चर अच्छी सी ले लें। मुझे आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, इंट्रो वीडियो आ गई, आपने इंट्रो वीडियो जो है वो कितने सेकंड्स की अपलोड करनी है, आपने अभी तक अपलोड नहीं की हुई है। जी मिस, मैं ना अनियाल से मदद लेके ना फिर मैं उस पर अपलोड कर दूंगा।
ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने पहले गिग नहीं बनानी है, पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद मैदान में आना है। ठीक है, तो पहले आप अपने प्रोफाइल के ऊपर वर्क करें, और इंट्रो वीडियो जो है वो आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, अभी रहने दें। हाथी अभी वो नहीं कीजिएगा, डिलीट ना कीजिएगा, मैं इसी से अभी रहने आपको दें, आइडिया। कोई बात नहीं, अब कर लिया जी। आपने सिर्फ अभी इंट्रो वीडियो जो है ना वो अपनी अपलोड करनी है, और उसकी सारी गाइडलाइन भी यहीं पे दी हुई होगी। ठीक है, सैंपल्स भी दिए हुए होते हैं कि किस तरह की वीडियोस बनानी है। अगर आप दोबारा करें जरा, अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएं, स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करें, इंट्रो वीडियो से नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा। जी मिस, मैं करता। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें। अलमदार आशफा, आप लोग अपना कैमरा ऑन करें। मिस मेरा ना कैमरा खराब है तो। आदिका, या जो है ना इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो है और काफी टाइम लग रहा है ना। प्रोफाइल पे क्लिक हाँ करें। जी, जी, आप स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर इंट्रो वीडियो आई हुई है, स्टैंड आउट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। अब फाइवर आपको खुद बता रहा है कि अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पे एक वीडियो अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप बाकियों के दरमियान में चाहते हैं कि आपको जल्दी ऑर्डर्स मिले, तो फिर अपनी वीडियो लाजमी बनाएं। वीडियो के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी होंगी यहाँ पे, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। ठीक है, अब हादी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ गाइडलाइंस सारी दी हुई हैं, आप सारों ने गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो तो अपनी अकल और समझ के मुताबिक बताएगा ना, तो आपको फाइवर का प्लेटफॉर्म बता रहा है कि कैसी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। हर चीज के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, आपने इन चीज को इसको स्टडी करना है खुद से। ठीक है, हाँ, आप देखिए, अपलोड योर इंट्रो वीडियो, मुझे ये सही तरह से नजर नहीं आ रहा। हादी, अगर आप थोड़ा सा पढ़ें इसको, क्या लिखा हुआ है, जी कितनी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मिस, 20 to 60 seconds लिखा हुआ है ऊपर। जी, लेंथ वीडियो जो आपने बनानी है वो 60 सेकेंड्स, मींस 1 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो अपलोड नहीं होगी यहाँ पे। और रेजोल्यूशन 1280x720 होने चाहिए, तो आपके कैमरे की जो है क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ ठीक है, जब आप 60 सेकेंड्स की बनाएंगे तो वो अपलोड हो जाएगी इजीली। ठीक है, नीचे अपलोड की ऑप्शन आ रही है, लेकिन उससे भी पहले आपने राइट साइड पे देखना है, हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल इंट्रो वीडियो। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस डाल दी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जो है अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो आपने ये वाली वीडियोस को प्ले करके देखना है कि ये Hi, लोग my कैसे name is बोल रहे हैं। Ron, and I own a commercial photography studio here on Fiverr. We specialize in product photography, and we've been super fortunate to have worked with clients like McDonald's, Campbell's, and a wide variety of other amazing brands from around the world. Our work has been featured in the International Photography Awards and Graphis Publications, and our work has appeared on billboards in Chicago, LA, and even Dubai.
We absolutely love what we do. And if you'd like to collaborate on a project, we would love to work with you. तो आपने सबसे पहले जो है वो अपने बारे में बताना है कि आप कौन हैं, और उसके बाद आपने अपनी अचीवमेंट बतानी है कि मैंने कहाँ काम किया हुआ है, ठीक है, किसके साथ काम किया हुआ है, और फिर एंड पे आपने कॉल टू एक्शन देना है कि इफ यू वांट टू प्लेस योर ऑर्डर यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कोलैबोरेट विद मी, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स फॉर यू. इस तरह के जब आप वर्ड्स लिखते हैं तो वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है, ज्यादा जो है वो एम्पैथी शो करता है. तो आपने इस तरह से अच्छी सी पोलाइट सी वीडियो बनानी है, ठीक है. इस मैं आप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट शुड आई टॉक अबाउट, ठीक है, कि आपने वीडियो में बोलना क्या. अब आपके सबके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हम बोलें क्या. वैसे तो अभी मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस की सूरत में इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया. व्हाट शुड आई टॉक अबाउट, इसको क्लिक करें. जी, अब ये आप रीड कर लें और फिर आप में से मुझे कोई एक बता दे कि हमने उस वीडियो में बात क्या करनी है. इसको रीड करने के बाद मुझे बताना है. मिस, मुझे इसमें ना दो चीज़ समझ में आई है। सब में पहले इसमें अपने बारे में बताना है और दूसरा ना इसमें अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में। मिस आप, एक्सक्यूज मी, मिस आपका माइज बन है। आई एम सॉरी. अच्छा, आपने क्या करना है कि स्क्रिप्ट लिख लेना है पहले. जब आप वीडियो बनाने लगेंगे तो उससे पहले उसमें क्या बोलना है उसका स्क्रिप्ट लिख के रख लें अपने पास, लेकिन उसको देख के नहीं पढ़ना, उसको बार बार पढ़ें ताकि वो आपके आप उसको नेचुरली बोल सकें, ठीक है. तो आपने उसको देख के नहीं पढ़ना, ऐसे ना लगे कि आपने कुछ याद किया हुआ है, ठीक है, मेमोराइज किया हुआ है. आपने नेचुरली बोलना है. तो कैसे आपके आप नेचुरली बोल सकेंगे, जब आप अपना स्क्रिप्ट बार बार मिरर के सामने खड़े होके बोलें, ठीक है. एक अपने घर में मिरर होगा ना, उसके सामने खड़े होकर बार बार प्रैक्टिस करें. जब अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा सा याद हो जाए आपको, तो फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, ठीक हो गया. अच्छा, इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है, डोंट इंक्लूड एनी फाइवर लोगोज बैजेस. हाँ, अब जो इसके ऊपर आपने कोई लोगो नहीं लगाना, जो वीडियो ये बनाएंगे इंट्रोडक्टरी उस पर कोई फाइवर का लोगो या अपने ब्रांड्स का लोगो कोई चीज भी नहीं लगानी है, ठीक है. जैसे आपने ऊपर सैंपल्स देखे ना, सिंपल सी वीडियो बनानी है, और पीछे बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा नॉइज नहीं होना चाहिए, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. इसके बाद और नेक्स्ट आगे पढ़े और क्या क्या होना चाहिए. जी, रासिम, इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, किस चीज के साथ आप रिकॉर्ड करेंगे. इक्विपमेंट अगर रिकॉर्ड करनी है तो मेरे पास तो ऑलरेडी कैमरा है, तो मैं कैमरे से ही करूँगा। अगर आपके पास कैमरा है तो उससे कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं, जो आपके पास मोबाइल है उसी से कर लें, ठीक है. और सिर्फ उसकी ऑडियो अच्छी होनी चाहिए. अच्छा जी, वेयर शुड आई रिकॉर्ड, कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए. इकरम, आप बताएंगे कहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी. मुझे लग रहा है कि काफी ना सबके वो स्टक हुए हैं, इंटरनेट का शायद इशू हो रहा है. आसफा अगर है, आसफा आप बताएंगे कि कहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैसी प्लेस होनी चाहिए. ये सबको आवाज आ जी, रही है. अस्सलाम वालेकुम, इसमें जी कोई भी बता दे कहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है आपने, कैसी प्लेस होनी चाहिए. आपकी वॉइस क्लियर हो.
जहां पे ज्यादा शोर ना हो, ठीक है, क्वाइट रूम होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम योर श्योर फॉर सक्सेस। हाँ इसको देख लें, इसमें क्या है। हाँ, अब आपने जब कैमरा में बोलना है तो आपने अपनी जो आईज हैं वो बिल्कुल कैमरा के उसमें कैमरा में देखनी है, ठीक है। आंखें आपने इधर उधर नहीं करनी है, वो अजीब सी वो लगेंगी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट कैमरा में देखना है ताकि ऐसा ना लगे कि आप कहीं से देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और योर वीडियोज शुड बी इन लैंडस्केप। हाँ, अपना जो आपने मोबाइल है ना वो इस तरह से करके रखना है, ये लैंडस्केप होता है, ये पोर्ट्रेट होता है। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है कि आपने लैंडस्केप में अपना मोबाइल रखना है, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है जब भी आप अपने कोई भी वीडियो बनाते हैं या कोई भी फाइबर पे काम करें तो उसकी गाइडलाइंस रीड करना। हम बहुत जल्दी में होते हैं ना, तो हम कहते हैं बस मैम ने कहा था कि वीडियो अपलोड करनी है तो बस जल्दी से कैमरा उठाएं और वीडियो अपलोड करते हैं, हम गाइडलाइंस नहीं पढ़ते। इसी तरह से अभी मुझे आइडिया हुआ है कि अभी तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स नहीं कंप्लीट की और गिग्स पहले बना दी हैं, तो पहले आपने प्रोफाइल्स कंप्लीट करनी थी और उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स थे, फिर एंड पे जाके आपने अपनी गिग्स पे काम करना है, ठीक है। ओके जी, व्हाट शुड आई वियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहनना क्या है, आपकी पर्सनैलिटी उससे पता चलती है कि आप जब वीडियो में बात कर रहे हैं तो आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। जरूरी नहीं है कि कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हो, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ठीक है। और देखें आगे और क्या लिखा हुआ है, पढ़ें इसमें फिर मुझे बताएं। अब आहत बताएंगे, आहत और अतीक, व्हाट शुड आई वेयर। जी मिस, जी मिस, आपने क्या बोले, दोबारा बोलिएगा, फिर से आवाज आगे निकली। शुड आई वियर, पहनना क्या है जब वीडियो बनाएंगे तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, पढ़ के मुझे बताएं, फाइबर क्या रेकमेंड करता है। ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? ओके मिस, ड्रेसिंग जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपके जो जो आपके लिए जो आपको ड्रेसिंग सेंस यानी कि तो थोड़ा सा हो, जिससे कि आप जो आपका जो पीछे बैकग्राउंड होगा आपने उसके मुताबिक, अगर वो डार्क है तो आपने थोड़े लाइट तरीके के कपड़े पहने हैं, अगर वो लाइट है तो आपको थोड़ा डार्क टाइप पहनने चाहिए ताकि अगर तो हम वीडियो चलाते हैं तो पता चले कि हमने पहना वगैरह क्या होगा और हम कैसे लग रहे हैं उस वीडियो में। तो इस तरीके की हमें ड्रेसिंग होनी चाहिए और बस यही। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया, आपने जो है वो कंट्रास्ट में जो है वो अपने अपनी ड्रेसिंग करनी है। जैसे आप ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर है और इन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और सिंपल है, इसके ऊपर कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। जब भी पैटर्न होता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए सिंपल वन कलर जो होता है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप करें। सेम फॉर द प्रोफाइल पिक्चर भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल ड्रेसिंग वन कलर में करें, बैकग्राउंड सिंपल रखें, ठीक है, ताकि वो आपकी जो लुक्स हैं वो ब्लरी ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वीडियो बनाएं तो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। और अगर आप बैक से ना, अगर आपके लाइट आ रही होती है तो फिर आगे फ्रंट पे आपका वो ब्लर हो रहा होता है, तो आपने अपने आसपास की इन्वायरमेंट की उसकी भी लाइटनिंग सेट करनी है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, आपकी गिग पे जाने से पहले सारे आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं। जैसे आपके फेसबुक पे कभी किसी की प्रोफाइल पे जाएं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके आप टाइमलाइन को नहीं देखते, आप उसकी पिक्चर को देखते हैं, उसके इंट्रो को देखते हैं, बायो को देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसकी टाइमलाइन को स्टडी करते हैं। सेम इसी तरह फाइवर पे जब कोई आएगा तो वो सबसे पहले आपकी पिक्चर देखेगा, आपकी टैग लाइन देखेगा, आपकी इंट्रो वीडियो देखेगा, उसके बाद वो मजीद आपकी गिग्स पे जाएगा, ठीक है, या जो आपकी बाकी प्रोफाइल है वो चेक करेगा। तो अब मुझे कौन जल्दी से इसको रीकैप करेगा, क्योंकि ये वाला जो काम था ना वीडियो बनाने वाला, ये कितना 61 मिनट लगता है वीडियो बनाने में, तो 2-3 वीक्स के बाद हमारी क्लास हो रही है और अभी तक किसी ने अपना हैंड रेज नहीं किया कि आपने अपनी वीडियो बना ली है, ठीक है। तो इतना टाइम तो नहीं लगना था, ये तो 1 मिनट की बात है ना वीडियो बनाने,
तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने आपसे पूछना है, बल्कि आप लोग जो है ना, आज सैटरडे है ना, मंडे तक सारों ने अपनी वीडियो बना के कंप्लीट करनी है, और मैं मारिया को सेंड करते हैं, ठीक है? फिर मैं मारिया जो है ना, वो मुझे फॉरवर्ड करेंगी और मैं सारों की वीडियो एक दफा देख लूंगी, ठीक है? मंडे तक सारों ने अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेनी है। चलें जी, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी हाथी, दोबारा से स्क्रीन शेयर करें। इंट्रो वीडियो के बाद क्या है? और आज इनका नेट का भी बहुत इश्यू था, तो एक प्रोफाइल पे काफी हमें टाइम लग गया। ये एक प्रोफाइल जो मैंने चेक की है ना, ये आप समझें कि आप सारों की चेक हुई है, आप सबको हाँ पता जी, चल ये गया तो है। है। मुझे पता है कि आज वीडियो अगर यहाँ पे नहीं थी तो बाकी सबने भी हैंड रेस नहीं किया, इट मीन्स कि आप सबकी भी वीडियो मिसिंग है। तो आप सबको भी समझ आ गई कि हमने वीडियो बनानी है। तो अब मंडे को आप लोगों ने सबने मुझे 1 मिनट की वीडियो सबमिट करवानी है, ठीक है? चाहे तो मेरे जी नंबर पे आप कर दीजिएगा, मैम मारिया आपको नंबर मेरा दे देंगी, आप लोग मुझे डायरेक्ट भेज दें अपनी वीडियोस, और प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं वो लाजमी अपलोड कर लें। टैग लाइंस मैंने आज आपको बताया, ठीक है, कि ये अपडेट करें। हादी, आप दोबारा से शेयर करें स्क्रीन। जब भी आपने कोई भी इस पे स्टेप लेना है फाइवर पे, पहले गाइडलाइंस मस्ट रीड करनी है, समझना है, साथ बैठ के आप लोग एक दूसरे के, तो 3-4 का ग्रुप बना के स्टडी करें, एक दूसरे के साथ आपको सही समझ आएगी। फिर अगर नहीं कि कुछ चीज समझ आती है तो आप मुझे मैसेज करें कि मैम हमें ये चीज नहीं समझ आई, हमने गाइडलाइंस पढ़ी है, ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ आ रहा, ठीक है? जब आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको ना आगे और नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकूंगी। बेशक गलत ही कोशिश करेंगे, लेकिन करें ताकि मुझे पता चले कि आपने कोशिश की है। आप स्क्रॉल डाउन करें, देखिए इंट्रो वीडियो के बाद और क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रोफाइल में अपडेट करनी है। मिस, आप मेरी प्रोफाइल नाम देख लें कि मैंने नाम सही लिखा है। आपके ना मुझे आगे इंट्रो वीडियो से आगे आप स्क्रॉल डाउन करें, मुझे नजर नहीं आ रहा, ताकि मैं देखूं कि आपने और प्रोफाइल में क्या क्या चीजें जो हैं वो मिस की हुई है। हाँ, अब सही हो गया। ऊपर करें थोड़ा, इंट्रो वीडियो पे लेके जाएं जहां पे था। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है माय पोर्टफोलियो, ठीक है? तो अभी आपने पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया और आपने गिग बना ली है, ठीक है? तो पहले आपने पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो किस तरह से बनाते हैं? आहत मुझे बताएंगे कि पोर्टफोलियो में क्या एंटर करना है? जी, पोर्टफोलियो में आपको ये करना चाहिए, अपनी स्किल्स ऐड करनी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस और अपने रिव्यूज भी शेयर करने चाहिए कि मुझे इतना काम हो गया, इतना हल्का हो गया है और मैं ये सारा काम कर लेता हूँ। और अपने बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप करते क्या हैं और आप किस चीज़ में महारत रखते हैं अपने। जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें आपने अपना सैंपल ऑफ वर्क लगाना है। जो आपने, जैसे आहत आपने जो ऑर्डर्स लिए थे ना, उसमें आपने लोगों को कार्ड्स बना के दिए थे, आप वो वाले जो कार्ड्स हैं जो अप्रूव हो गए थे और जिसके ऊपर आपको उन्होंने पैसे भी दिए थे, जिन्होंने पे किया था, इट मीन्स कि वो कार्ड उनको पसंद आए थे, तो आप वो वाले जो कार्ड्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में लगा दें, ताकि बाकी जो क्लाइंट आएंगे वो आपके काम को देखेंगे कि अच्छा, इन्होंने पहले वाले क्लाइंट के साथ ये काम किया था, तो आपका सैंपल ऑफ वर्क, जो बेस्ट सैंपल ऑफ वर्क है, जो आपके बहुत अच्छे कार्ड्स बने हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरह से हादी, आपने अगर अभी तक किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया तो आप फ्री में लोगों के साथ काम करें, किसी को फ्री में काम करके दे दें, और उसमें से जो बेस्ट वर्क हो वो अपने पोर्टफोलियो में एंटर कर दें, ठीक है? अपने पोर्टफोलियो में आपने इमेजेस की फॉर्म में और वीडियोज की फॉर्म में अपने काम को प्रेजेंट करना है, ठीक हो गया? जी इकरा, मिस, मैं चाहती हूँ आप मेरी प्रोफाइल चेक करें और बताएं कि मुझे क्या इसमें ऐड करना है और क्या चीज़ें मेरी मिसिंग है। ठीक है? आज तो क्योंकि एक ही इस प्रोफाइल है पोर्टफोलियो मेरे इस पास, तरीके ये से मेरे पास मैं क्लास में ना आपकी चेक कर लूंगी, और अभी क्योंकि इस पे काफी टाइम लग रहा है और काफी चीजें मिसिंग हुई हुई हैं, तो वो मैं साथ साथ बता रही हूँ ताकि बाकी भी उसको कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास में ना, अब जितनी आगे क्लासेस है ना हमारी, उसमें मैंने एक एक बच्चे की ना जो है वो ये चेक करनी है प्रोफाइल,
ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करें पोर्टफोलियो के बाद क्या, आई होप कि पोर्टफोलियो की बात आपको समझ आ गई होगी कि क्या इसमें एंटर करते हैं। स्क्रॉल डाउन करें हादी, जी मिस, मैं आपको ना अपना एक पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, तो आप वो बता देंगे ऐसा ही होता है बिल्कुल। अभी जो ये आप मुझे दिखा रहे हैं ना, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि 5 मिनट्स रह गए हैं, तो इसी वाले को आगे आप मुझे अगर बता दें, स्क्रॉल डाउन करें, मैं देखूं नेक्स्ट पोर्टफोलियो के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा, अब आपने जैसे लोगो डिजाइन या यूट्यूब थंबनेल डिजाइन का लिखा हुआ है ना इसमें, तो आप एक्चुअल जो आपने बनाए हुए हैं आप उनकी पिक्चर्स अपलोड करें। ये तो आपने एक पीडीएफ फाइल में पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन वहां पे ऐड पोर्टफोलियो जब आप करेंगे ना, तो आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, इमेजेस अपलोड करनी है। तो आपने अगर कोई अच्छे लोगोज बनाए हुए हैं, पोस्टर्स बनाए हुए हैं, ब्रोशर्स अगर कोई बनाए हुए हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो वो आप वहाँ पोर्टफोलियो में अपलोड करते हैं। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी मुझे नेक्स्ट बता दें, 4 मिनट्स रह गए हैं आपकी क्लास में। पोर्टफोलियो के बाद क्या चीजें होती है? जी नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपने अपना पूरा बायो बताना है, डिटेल लिखनी है डिस्क्रिप्शन में ठीक है। अभी तक हादी ने डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की हुई है, लैंग्वेजेस आपने इंग्लिश ऐड कर दें और साथ में उर्दू ऐड कर दें। हाँ, यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन भी आप चैट जीपीटी से आइडिया लेके यहाँ पे एंटर कर दें। लैंग्वेजेस आपने एंटर करनी है, इंग्लिश मस्ट एंटर करें, साथ में अगर कोई और लैंग्वेज पंजाबी उर्दू स्पेनिश पर्शियन जो भी आती है वो यहाँ पे एंटर करें उसको ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्किल्स एंटर करें। ग्राफिक्स डिजाइनिंग आपने एक मेन कैटेगरी लिखी है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर और क्या क्या आप काम करते हैं, लाइक बिजनेस कार्ड, लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, ये सारे कीवर्ड्स जो ग्राफिक्स डिजाइन से रिलेटेड आपको जो जो काम आते हैं वो सारे इसमें स्किल्स में एंटर करेंगे आप ठीक है। यहाँ पे कोई एक स्किल एंटर करके बताएं मुझे, ये तो मेन कैटेगरी होगी ना ग्राफिक्स डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखें बिजनेस कार्ड लिखें। ये क्या हुआ, आपने स्किल में जाके बिजनेस कार्ड लिखना है। मिस थोड़ा सा यहाँ पे ना इंटरनेट बहुत इशू होता है, तो जैसे जब क्लास खत्म हुआ फिर मैं ये सब ना लिख लूंगा। ठीक है, स्किल्स में आपने जो है ना जितने भी कीवर्ड्स जो आपको काम आता है, मेन कैटेगरी पे जाएं फाइवर की, और उसमें ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में सारी जो चीजें लिखी हुई हैं उनमें से देखें आपको क्या क्या काम आता है। यूट्यूब थंबनेल डिजाइन है, लोगो डिजाइन है, स्टेशनरी डिजाइन है ठीक है। ये सारे जितने कीवर्ड्स हैं वो आपने सारे यहाँ पे स्किल्स में एंटर करने। हाँ, जैसे अभी आपके दिख रहे हैं ना बिजनेस, BUSINEESS, बिजनेस कार्ड आप लिखेंगे, BUSINEESS। CARD ठीक है, बिजनेस कार्ड डिजाइन फर्स्ट ऑप्शन आ रही है ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल आप इस पे इंटरमीडिएट कर दें, या हाँ नीचे एक्सपीरियंस लेवल बताएं। लिस्ट में से आपने सेलेक्ट करना, फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करें। अब एक्सपीरियंस लेवल एंटर करें,
मिस बिगिनर दबा, बिगिनर सेलेक्ट कर लूं? हाँ इंटरमीडिएट कर लें। ठीक है ऐड करते हैं। इसी तरह से बाकी भी कीवर्ड्स आपने एंटर करने हैं, जो जो काम आपको आते हैं। यूट्यूब थंबनेल आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है तो इस तरह से आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद एजुकेशन अगर चाहें तो एंटर कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का तो वो आप इस पे अपलोड करते हैं। ठीक है इसी तरह अगर वीडियो एडिटिंग की गिग बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की प्रोफाइल है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आपने अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी फिलहाल उसको रहने दें, और अगर इन फॉर द फ्यूचर आपने कोशिश करनी है कि कहीं से सर्टिफिकेट्स ले लें। ठीक है ताकि यहाँ पे आप एक दो सर्टिफिकेट्स जो है वो एंटर कर दें। हाँ अब जैसे ये लोगो डिजाइन हो गया। ठीक है ऐसे आपने सारी स्किल्स को एंटर करना है और फिर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना। ठीक है तो आज हमने हादी की जो प्रोफाइल है बहुत ज्यादा डिटेल से देखी है, कौन कौन सी चीजें मिसिंग थी। बाकी सबको भी समझ आ गया होगा। अगर आपकी इनमें से कोई चीज मिस है तो आपने उसको ठीक कर लेना है, और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इकरा की प्रोफाइल जो है उसको करेंगे। और अगर जल्दी फिनिश हो गया तो किसी भी एक और स्टूडेंट का मैं कॉल कर लूंगी कि वो अपनी प्रोफाइल जो है दिखा दें। तो आप सारों ने अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर रखनी है, और मंडे तक मुझे अपनी वीडियोज इंट्रो वीडियोज भेजनी है। आपका जी ठीक है ओके। जी मारिया मेरा ख्याल है कि हम क्लास का टाइम फिनिश हो गया है, और जी इसके जी अलावा अगर आप ऐसे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। और प्रोफाइल मैंने सिर्फ ये आपके सारे बच्चों से कहना था कि ऑनलाइन क्लास के लिए ना प्लीज, अगर नेट आपके स्कूल का ज्यादा खराब है तो मैंने पहले भी कितनी बार जिक्र किया है, सिम का नेट चला लिया करें 1 घंटे के लिए। ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होता है। आदि ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करें। मैं तो यही मैं चीज बता रहा हूँ। मिस सवाल जी कर लें। कौन ये आपका जो एजुकेशन में क्या डालूँ? आपकी जो भी आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, और ये अभी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप अभी एजुकेशन इसमें एंटर करें। ठीक है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सर्टिफिकेट्स भी इसी तरह से अगर है तो अपलोड कर दें, नहीं है तो रहने दें। ठीक है और ये प्रोफाइल आप बाद में भी अपनी अपडेट करते जा सकते हैं। जैसे जैसे आपने बाद में कभी कोई सर्टिफिकेट लिया तो वो अपलोड कर दें। एजुकेशन जैसे जैसे आपकी और इंक्रीज होती जाएगी, इंटरमीडिएट करेंगे ग्रेजुएशन करेंगे तो वो बाद में आप ये चीजें एंटर कर सकते हैं। ठीक है तो जो चीजें आपको पास नहीं अवेलेबल है उसको रहने दें। जी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है इकरा आप कुछ पूछना चाहेंगे। नौमी मैं बस तभी यही तो कहूंगी मेरा इनके कोई नेट का बहुत सिस्टम इशू नहीं होता है है। क्योंकि जी इकरा आप अभी कंटिन्यू करें। मैंने जी अभी मैंने अपनी न्यू प्रोफाइल बनवाई है। आहत की हेल्प ली थी मैंने अपनी प्रोफाइल में, और खुद कुछ भी यूट्यूब से एडिटिंग की है तो वही मैं चाह रही थी आप चेक कर लें। और अभी जो आपने नई चीज़ें बताई हैं मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ, फिर मंडे को आपको चेक करवाती हूँ इंशाल्लाह। जी मंडे तक मिस आपने इंट्रो मुझे अपनी वीडियो वीडियो सेंड तो करनी मेरी है नेक्स्ट हिजाब में क्लास के होगी लिए। तो कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है। आप अपनी पिक्चर जो है वो हिजाब में भी लगा सकते हैं और वीडियो भी हिजाब में बना सकते हैं। ओके थैंक यू। जी ठीक है आई होप कि आप सारों को समझ आ गया होगा आज का। लाजमी काम करें अपने पोर्टफोलियोज पे, फौरन से गिग्स बनाने पे ना जाएं, पहले पोर्टफोलियोज पे वर्कआउट करें अपना। ठीक है और मंडे को सारों ने मस्ट मुझे सबमिट करवानी है अपनी वीडियो। ठीक हो गया जी मारिया। जी फिर सेशन को वाइंड अप करें। जी और ये प्लीज जिसका भी नेट का आप लोगों का इशू है ना तो सिम पे 1 घंटे का पैकेज करा लिया करें। इतने सस्ते सस्ते पैकेज हैं। ठीक है ऑनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं है। अब आज अगर हादी का नेट ठीक होता ना तो 2-3 स्टूडेंट की चेक हो जानी थी, इतना टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है ये बात मैं आपको पहले भी कहती हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी अल्टरनेट 2-3 ऑप्शन मैंने रखे होते हैं क्योंकि मेरी तो काम ही ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्लासेस 3 टाइम कंडक्ट करूँ और मैं ऐसे नेट को देखूँ तो मेरी तो रोज छुट्टी हो। इसलिए ये प्लीज आप 1 घंटे के लिए ना जो मेरे साथ या मैं मुजमा के साथ आपकी क्लास होती है ये होती है ऑनलाइन, थोड़े से पैसे लगा लें। जोंक के भी बहुत सस्ते पैसे।
चेक घंटे के बहुत अच्छे और सस्ते पैकेज हैं, वो आप लगा लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी एक हम। ठीक है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं जी। अब ये चलें जी, मैं मारिया इंटरनेट का बता रही थी और उनका अपना इंटरनेट चला गया है। तो थैंक यू सो मच, आप सारों ने क्लास अटेंड की, और फिर नेक्स्ट मिलेंगे ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके अल्लाह हाफिज़। अगला अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।